हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन। दोस्तों, आज 9 अगस्त को रेलवे का पहला पेपर हो चुका है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास उपलब्ध हैं और हम ये वीडियो आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि हो सकता है, और ऐसे एग्ज़ाम में हो सकता है, नहीं होता ही है, कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो हम ये क्वेश्चन आप लोगों को तक उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप लोग आगे जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, जिनके हो गए उनका तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि ये हो सकता है आ जाए, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस समय कौन है, तो वो है पीयूष गोयल जी। जी हाँ, पीयूष गोयल जी। इसके पहले हमारे अरुण जेटली साहब थे और उनका तबीयत इस समय ख़राब हो चुका था, इसलिए पीयूष गोयल जी को फाइनेंस मिनिस्टर इस बार बना दिया गया है। इसके बाद हैप्पीनेस रैंकिंग में इंडिया की कौन सी रैंक है, हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग में, तो वो 133 है आपका। और दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का विनर इस साल कौन हुआ, तो वो थे रोजर फेडरर। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में मेल्स दिया था या वुमेन्स दिया था, मैंने मेन्स का बता दिया कि रोजर फेडरर आपके 2018 के ऑस्ट्रेलियन विनर ओपन के विनर हुए हैं। और अगर चौथा क्वेश्चन था वो था कि जुपिटर के अभी तक कितने नंबर ऑफ मून डिस्कवर किए जा चुके हैं, वो हैं 12, नंबर ऑफ 12 हैं आपके। जो पांचवा क्वेश्चन है वो नागालैंड के इसमें चीफ मिनिस्टर कौन है, तो निफूजी राव हैं इस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों, छठवा जो क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ इस बार का लिटरेचर में किसको दिया गया है, वो है काजुओ इशिगुरो को दिया गया है। और सातवां क्वेश्चन दोस्तों है कि एग्जाम वॉरियर बुक के राइटर कौन है, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आना तय था दोस्तों। इनके जो राइटर हैं वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमें लगता है कि ये हो सकता है रिपीट हो जाए, ऐसे क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। और आठवां जो क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की समय गवर्नर कौन है, तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम इस साल हुआ था उसमें फर्स्ट इंडियन प्लेयर ने कौन से इंडियन प्लेयर ने मेडल लाया था, वो है गुरु राजा जी। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम और क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल अभी तक 20 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप इस जो लाइव एजुकेशन है इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। जो 10वां क्वेश्चन था हमारा कि जो करप्शन इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया की कौन सी रैंक है, वो 81 रैंक इस बार दिया गया है। और कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है, तो वो कुआलालंपुर है। और वहाँ पे दोस्तों ये भी हो सकता है कि करेंसी पूछ दे अगली बार, तो करेंसी जो है मलेशियन रिंगिट है। और इस बार जो आपके वुमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसका विनर कौन था, तो वुमेंस में तो उसके विनर जो थी वो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। और जो अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, वो है कि ऑनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर कौन है। दोस्तों, जनरली लोग बोल देते हैं सीधे कि शाहरुख खान है, बट आपको पता होना चाहिए कि शाहरुख खान है, उनके साथ और भी लोग हैं, जैसे शाहरुख खान है, रेड चिली एंटरटेनमेंट है, जूही चावला है और जय मेहता है। ये आपको चार ऑप्शन है, इसमें से कोई ऑप्शन रहा होगा आपको आपका वो आंसर सही होगा। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन, उसका वो क्वेश्चन है कि GST किस प्रकार का कर है, वो है अप्रत्यक्ष कर। इसका आंसर अप्रत्यक्ष कर होगा। और आपका 15th जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ RBC, दोस्तों बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो जिसने आंसर लगाया होगा वो सही होगा। और इसके बाद 16 जो क्वेश्चन है कि गोल्ड डिजॉल्व इन, यानी कि गोल्ड किसमें डिजॉल्व हो जाता है, तो वो है एक्वेरिजिया। दोस्तों, और भी हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमारे पास दो और क्वेश्चन बचते हैं, वो हैं कि ब्लड प्रेशर को का रेट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है 120/50। ये आंसर आप जिसने लगाया होगा वो सही होगा। और 18th जो क्वेश्चन है कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि द डे ऑन 18 मार्च 19 में कौन सा डे था, तो वो था संडे, उस आंसर होगा आपका। और जो लास्ट क्वेश्चन है 19th, वो है कि यूनिट ऑफ पावर। दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वाट। और दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसके आपको क्वेश्चन और आंसर आपको उपलब्ध हम कराते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।